तो ये आज के दिन की बड़ी खबर है, सबसे बड़ी सियासी खबर, बिहार से नीतीश की ये नई सरकार जिसे पहला टेस्ट देना है। और देखिए, आंकड़े जो हैं वो फिलहाल पूरी तरीके से जेडीयू के पक्ष में है, क्योंकि एनडीए 132 विधायकों के समर्थन की बात बार बार दोहरा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही पक्षों के सामने चुनौती इस बात की किस तरीके से अपनी अपनी पार्टी को एकजुट रखा जाए। फिलहाल आपको दिखाते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा की खास बातचीत जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक के साथ, किस तरीके से पूरा भरोसा जता रहे हैं कि आज बहुमत का टेस्ट बड़ी आसानी से पार करेंगे नीतीश कुमार। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार विश्वास मत हासिल करेंगे, अहम दिन है। बात करते हैं इसी मुद्दे पर जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक से। अजय, कोई घबराहट तो नहीं है जेडीयू के कैंप में कि कुछ ऐसे वैसा हो जाए? आपको लग रहा है क्या कि जेडीयू के कैंप में कोई घबराहट है? हम जब निर्णय लेते हैं तो उसे तार्किक परिणति पे पहुंचाते हैं, और हमारे निर्णय आज तार्किक परिणति पे पहुंचेगा विधानसभा के पटल पे। नहीं, जैसे कि उधर से आवाज़ें आ रही थी, अली अनवर और कुछ और विधायकों ने जो बातें कही थी, उसके बाद ऐसा तो नहीं लग रहा कुछ हो सकता है? हमारे किसी विधायकों ने कुछ नहीं कहा है। अली अनवर जी ने कहा है तो अली अनवर जी को याद होना चाहिए कि दोनों बार वो राज्यसभा पहुँचे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के वोट से पहुँचे। कोई दिक्कत हो तो मीडिया में बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, पार्टी फोरम पर बात रखनी चाहिए। विधायक हमारे चट्टान की तरह एकजुट है। हाँ, बाकी दलों का जरा देख लीजिए, इतना ही विश्वास है तो राजद ने विप क्यों नहीं जारी किया? क्योंकि उनको पता है कि उनके विधायक भागेंगे, क्योंकि जब नेता नहीं होता है ना तो उसके नीचे के कार्यकर्ता भागने लगते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जब ये नई नई आपकी दोस्ती हुई है, घर वापसी कह सकते हैं, उससे पहले ये था कि गोपाल कृष्ण गांधी को हम समर्थन करेंगे उपराष्ट्रपति के लिए, पार्टी उसी राय पर है या राय बदल गई? देखिए, ऐसा है, बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में आज के समय में उपराष्ट्रपति का चुनाव कोई एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके कारण कुछ भी हमें सोचने का जरूरत पड़े। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास खुद अपने इतने मत है कि उनको किसी की जरूरत नहीं। पर जेडीयू क्या करेगी? जेडीयू क्या करेगी वो भी आपको पता चल जाएगा। हर दिन हम बताते रहे कि हम क्या करेंगे, पता चलते गया, ये भी पता चल जाएगा। साथ में है, वोट करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो जानना जरूरी है ना। पहले आज का वोट तो कर ले। आप हमेशा, आप लोग चार दिन आगे की बात क्यों करते हैं मुझे समझ भाई, आपका तो एजेंडा क्लियर होना चाहिए ना। मैं 25 तारीख को, आपने मुझे पूछा था कि आज 28 तारीख को क्या होगा, तो मैंने कहा कि 28 को 28 देखेंगे। अब आप आज 28 तारीख को पूछ रहे हैं कि 5 तारीख को क्या होगा, 5 तारीख को देख लीजिएगा, उस दिन पूछ लेंगे। आप साथ साथ में है उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर क्या करेंगे तो बात साफ होनी चाहिए, देश की जनता को बताएंगे ना। पहले आज का विश्वास मत जीत लें आराम से, उसके बाद देश की जनता को ये भी पता चलेगा कि जेडीयू क्या करेगी। जेडीयू के स्टैंड के बारे में आप चिंता ना करें, हम लोग वही करते हैं जो तार्किक परिणति के साथ सही सही। अरे तो ये तो बताइए, गोलमोल घुमा रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि आप वोट करेंगे कि नहीं करेंगे आप? आज हम अपना सदन में पहले वोट विश्वास मत जीतेंगे, एक सरकार अच्छी तरह से बनाएंगे, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।